शीर्षक छे प्रिय जवाहर। आज आ 14 नवेम्बरे लखायेल बाल दिन ना दिवसे लखायेली कविता छे। ए दिवसों मां रेकॉर्डिंग नी व्यवस्था नहोती नवा वर्ष निमित्ते, एटले मोडू करू छू। पण कविता कदी मोडी नथी होती। प्रिय जवाहर, आज तुम उदास होगे क्योंकि तुम्हारा देश जबरन तुम्हें भुलाने की अथक कोशिश कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि छोटा आदमी दूसरे का बड़प्पन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था कि छोटा आदमी दूसरे का बड़प्पन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह उसे अपने स्तर पर लाने के लिए उसका चरित्र हनन करता है। दुष्चरित्र को असीम आनंद मिलता है इस काम में, क्योंकि जो उसके पास नहीं वह दूसरों के पास कैसे हो। तुम्हें पता ही होगा, बौना आदमी अपने कद को छिपाने विशाल मूर्तियां गढ़वाता है और मूर्ति के शीर्ष पर खड़ा हो अपना ओछापन पहुंचता है। तुम्हारी तस्वीर संसद में हो न हो कोई फर्क नहीं, किंतु इतिहास देवता की बही में तुमसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई नहीं। तुम्हारा नाम हटाकर चंद मूर्खों को बहलाया जा सकता है, इतिहास को नहीं। मैं जानता हूं आज भी करोड़ों दिलों में विवेकशील मन में बसे हुए हो तुम। वे जानते हैं कि जिंदगी के 15 बरस तुमने जेल में काटे हैं। किसान आंदोलन में जब पहली बार तुमने लाठियां खाई थी, तब तुम्हें साम्राज्यवाद के जुल्म का पता चला था। तुमने अपना सर्वस्व जिस देश को अर्पित कर दिया, वह इतना भी कृतज्ञ नहीं है। इसलिए फिलहाल हताश होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जन्मदिन पर मंगल कामनाएं। बापू के आशीर्वाद।